टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज एकादशी, तो पितृदेव एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और घर का सारा काम हो गया है, कपड़े जो है कि रात में मैंने जो धो दिए, 10:30 बज गया था रात को, तो कपड़े सारे मैंने धो दिए थे। अभी मैंने सारे थर फैला दिए इस वाले बालकनी में और पीछे वाले बालकनी में। नाश्ता तो सुबह ही बन गया था, तो घुघरी बनाया था मैंने तो, और फिर उसके बाद दाल बनाया था, रोटी बनाया था सब बच्चों ने जो है कि आज एकादशी, इसीलिए दाल रोटी सिंपल बनाया था। तो इसीलिए जो है कि सभी लोगों ने अपना खाना वाना खा लिया है। और बच्चे जो है कि टीवी देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे टीवी देख रहे हैं इधर। अब इस वाले बालकनी में मैं अपने बैक कैमरा से, तो इस वाले बालकनी में देखिए धूप है थोड़ा बहुत, तो इधर सारे बड़े बड़े कपड़े मैंने डाल दिए हैं इधर धोकर, इस तरफ भी है। और इधर देखिए सबके घर पे जो है कि कपड़े दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि धूप निकला हुआ है। और नीचे जो है कि दीदी हैं, दीदी आई हुई हैं। एक बार हेलो बोल दीजिए भाई, हेलो बोलिए, हाय बोलिए, हाय। तो दीदी आई हुई हैं, तो चलिए तो आपको दिखाते इधर वाला कपड़ा जो है कि इधर फैलाया हुआ है। मेरे दीदी आई हुई थी गाँव से, तो आज संडे है ना, तो आई हुई हैं। और इधर जो है कि बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो सब लोग का जो है कि खाना पानी हो गया, तो सब लोग इधर लाला का जो है कि कपड़ा सूख गया था, तो मैंने यहाँ से बच्ची ने उठा लिया है, इधर छोटे छोटे कपड़े जो है कि डाल दिए। देखिए इधर ज़्यादा धूप है, तो इधर देख सकते हैं आप कितना तेज़ हवा चल रहा है, इधर धूप अच्छी है। आधा दीदी की गाड़ी खड़ी है, ये लोग शाम को चली जाएंगी। और इधर जो है कि लाला के भी दर्शन मैं दूर से आपको करा दे रही हूँ, क्योंकि अभी बच्ची सेवा कर रही है लाला की। तो बस कमेंट पे मत बोलिएगा कि मैंने दर्शन नहीं किया, तो दूर से दर्शन करा दे रही हूँ आपको। राधे राधे बोल दीजिए। दोस्तों फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और घर का तो सारा काम हो गया है, खाना पानी सब हो गया है। तो इधर मैंने ना दाल जो है कि एक बार मैं हलवा बनाई थी, आपने देखा होगा, तो उसका फिर मैंने देखिए कि दूध में बॉयल करके और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया, बहुत बारीक नहीं किया है, मतलब मोटा सा। इसकी रेसिपी मैंने आपको दिया था अगले वीडियो में, आपने देखा होगा। और इधर जो कि एक टास्क की मेरी चाशनी बन के तैयार है, देख सकते हैं। ये चाशनी भी मैंने बना लिया, तो मैंने सोचा कि हलवा को बना लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस फटाफट जो है कि वही कढ़ाई चढ़ा दूँगी, फटाफट बनाऊँगी। वही बच्चों की आँखों में नींद नहीं है, तो अभी संडे सब खेल लें थोड़ा, तो सब खेल लें, तो फिर उसके बाद जो है कि अभी आप अभी जो है कि 2 बज रहा है, घड़ी में 2 बज रहा है अभी, तो फटाफट घी निकालती हूँ और गर्म करती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं। आज थोड़ा सा अच्छा धूप है कि हाथ पैर थोड़ा काम कर रहा है, कल परसों तो इतना ज़्यादा मतलब ठंडा था कि कान भी खोलने में जो मेरे को दिक्कत होता था। मैं अभी जाके सुबह से मैं टोपी लगाई हूँ, सुबह से अभी जाके निकाला मैंने टोपी, और जो स्कार्फ था तो मैंने धुला हुआ है, वो सूख भी गया होगा। तो रात में जो है कि इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था ना, पानी नहीं आ रहा था, इसमें किचन में आ रहा था, बाथरूम में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ रहा था। उसी में जो कि मशीन लगाया हुआ था, तो हस्बैंड भी उसी में लगे हुए थे, एक बैच सूख जाता फिर दूसरा लगा रहे थे, वो भी जल्दी सूख उख जाए तो फिर हम लोग इधर उधर करके सोया जाए फिर आराम से। तो वैसे भी सोने में 11:30, 11:30 तो बज ही जाता है आजकल। तो इधर जो है कि कढ़ाई में घी डाल दिया है मैंने, फिर इसको भूनूंगी, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने में, टाइम
जैसे कि जब वो चाशनी डाल दो तभी उसको चलाने में ही पूरा होता है। और गाजर का हलवा तो फिनिश हो चुका है, तो 3 बार मैं बना चुका हूँ, एक बार और बनाऊँगी तो 4 बार हो जाएगा। अच्छा लगता है खाने में गाजर का हलवा भी, तो खाने में अच्छा, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। उसको इसको ज़्यादा चला, इसको जैसे कि जैसे इसे गाढ़ा होगा ना, चलाने में हाथ पूरे भर जाते हैं, गाढ़ा भी चलाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो चलिए बना लेते हैं, इसको भून लेते हैं, तो फिर चलिए मिलते हैं। पूरी बन मतलब वीडियो दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। चलिए हलवा जब बना लूँगी अच्छे से पूरा पक जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर जो है कि हलवा बन गया है, अभी मैंने काटा नहीं है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मतलब नरम है, जब थोड़ा सा जम जाएगा अच्छे से तो मैं इसे काटूंगी। तो आज एक ही थाली हुआ है, बच्चे उधर शोर कर रहे हैं। उस दिन मैंने बनाया था तो 2 थाली हुआ था, इसमें चना का दाल मैंने कम ही लिया है। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं हम भी, अभी बज रहा है घड़ी में 1:30 बजे से मैं इसमें लगी थी, तो 2:30 बजे हम लोग भी रेस्ट करते हैं, फिर जब जम जाएगा तो फिर काटूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, हलवा जम गया था तो इतना मैंने निकाल लिया है, तो ये बिल्कुल पूरा कड़ा नहीं जमता है। और वो जो होता है ना बेसन का हलवा जिसको बोलते हैं, तो वो जितना भी आप जैसे कि कड़ा चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन इतना ये कड़ा नहीं होता, ये बिल्कुल जी के ऐसे ही रहता है, ऊपर से पपड़ी जम जाएगी और अंदर से ये मुलायम रहता है। तो इसी तरह सारा मैं काट के कंटेनर में साफ़ कंटेनर में इसको भर लूँगी। तो इसी तरह देखिए, इसी तरह से मैं निकाल लूँगी सारे, तो चलिए निकाल लेती हूँ। कि बाहर जो है कि छोटे छोटे कपड़े जो फैले हुए थे वो सारी जो है कि बेटी ने उठा लिया है, और सारा देखिए एक एक करके सारे कपड़े चपोत रही है। मैंने कहा भी नहीं है, अपने से उठी है तो अपने से उठ के सारे कपड़े देखिए, जो जहाँ लगाना है वहाँ, मेरा स्कार्फ यहाँ रखी हुई है, इधर देखिए सारे कपड़े चपोत रही है। तो सही, ये बात सही है कि बेटी एक माँ की हेल्प कर सकती है, बेटी सारा घर का काम करती है। मेरी लाडली, मेरी सोना बिटिया, देखिए सारे कपड़े यहाँ से उठा लिया है इसने। और अभी जो है कि उस वाले बालकनी में कपड़े अभी रखे हुए हैं, तो वो जो है कि मुझे मतलब फैले हुए वो मुझे उठाने, चलिए वहाँ के मैं उठा लेती हूँ। मैं लाइट मैंने जला दी, देखिए ये कैसे पड़ा हुआ है, इस तरीके से सोया है। तो इधर से जो कपड़े मैं उठा लेती हूँ जो बड़े बड़े हैं सारे, अब देखिए अब शाम हो गई है ना तो अब हवा चलने लगी है, तो सारे कपड़े एक एक करके मैं उठा लेती हूँ। चलिए उठा लेते हैं सारे कपड़े। बाबू टोपी लगा लो ना, शाम हो गया है, तुम बेटा अपना लगा लो, टोपी लगा लो, तुम लगा लो बेटा, लगा लो, क्योंकि इतना बाहर रहोगे ठंडा लगेगा ना बेटा। इधर आप देख सकते कि राम नाम का जो झंडा सबके घर पर लग गया, उधर देख सकते हैं ऑरेंज ऑरेंज है। तो उधर से भी मैंने सारे कपड़े उठा लिए हैं, तो अभी बाद में मैं चपोतूंगी, पहले चलती हूँ किचन में चाय बनाती हूँ। तो चाय बस आंटी के लिए बनाऊंगी क्योंकि आंटी आई हुई हैं ऊपर, तो उनको दे दूंगी, फिर हस्बैंड आएंगे तो फिर उसके बाद में चाय और बनाऊंगी। अभी किचन में जो है कि बर्तन सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो हलवा मैंने बनाया था ना उसी के बर्तन है, तो इसको बाद में माँजूंगी, पहले मैं बना लेती हूँ चाय। चाय ले लिया, नमकीन ले लिया, इधर हलवा जो बनाया था वो ले लिया है मैंने, तो मैं जा रही हूँ ऊपर देने आंटी को। आ रहे बाबू, मेरे पीछे पीछे नहीं आना,
मेरे पीछे पीछे नहीं आओ, जहाँ हम आ रहे बेटा, अभी मैं आ रही हूँ बेटा। आंटी को दे दो पहले चाय। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खटखटा रखो। आंटी सो रही है क्या? तो देखिए कितना अच्छा क्वीन लग रही है। देखिए भैया जी लगाए हुए हैं, कुछ बोल आपका चाय तो हमेशा जिंदगी भर याद आएगा। हाँ ये देखिए, ये मैंने बनाया आज चने के दाल का हलवा। आज टेस्ट करके बताइए कैसा लगता है। आज ही बनाया। चलो बाबू आ जाओ, हाँ पी लीजिए आराम से बैठ के। कौन? तो इधर मैं ऊपर चाय देकर आ गई थी नीचे, तो ये हलवा का जो बर्तन पड़ा हुआ था वह मैंने सोचा कि फटाफट उसको माँज लेती हूँ। मैं आंटी बात करने लगी तो बात मैंने किया, फिर उसके बाद मैं चली गई नीचे और फटाफट जो है कि मैं अब बर्तन को माँज लूँगी। बाबू को दे रही हूँ दूध और चौकोस, तो बेटी को नहीं खाने का मन है तो बोली कि मैं नहीं खाऊंगी, तो बाबू को ही दे देती हूँ, खा लेगा थोड़ा। मेरे पीछे पीछे ऊपर चला गया था ना, मना करते लेकिन अभी कहीं जाती हूँ बस पीछे पीछे लग जाता है जाने के लिए, तो उधर दे दिया उसको, खा लेगा आराम से। तो इधर जो है कि हस्बैंड आ गए थे तो इधर मंगा लिया था पनीर, आधर है धनिया, आधर है अमरूद मीठे मीठे, आधर मटर मंगा लिया था दो पलोथीन, उधर मटर जो है कि छील के रखा हुआ भी है, देखते हैं क्या बनता है। और इधर बना लिया, इधर मंगा लिया था वो पपाया, और उधर चढ़ा दिया है मैंने चाय, तो भी चाय बन जाएगी तो फिर चाय पियेंगे। इधर जो है कि सब्जी बन के तैयार है, मटर पनीर की सब्जी है, पूरी है, तो चलिए जो है कि पहले ऊपर आंटी को दे देते हैं। चलते हैं ऊपर उनको दे देते हैं, तो फिर जो है कि पूरी बनाऊंगी। कहाँ गई आंटी? क्या कर रही है? क्या कर रही है? लीजिए खाना खा लीजिए आप। तो इधर जो है कि आंटी को मैंने खाना दे दिया है, इधर फिर से मैं पूरी जो है कि छान रही हूँ, गरम गरम निकाला था तो मैंने सोचा कि पहले आंटी को दे आऊँ तो फिर अपने लोगों के लिए फिर छान लूँगी। तो इधर हो रहा है तो फिर हम लोग का डिनर करेंगे। इधर जो है कि हम लोग का डिनर हो गया है, और ऊपर जो है कि आंटी को भी मैंने खाना वाना दे दिया था, और इधर भी सब लोगों ने खा लिया है, और बर्तन भी जो है कि मैंने सारे माँज लिए हैं। बस यहाँ दूध गर्म कर लिया है मैंने बाबू को देने के लिए, सीसी है, और उधर जो है कि बादाम मैंने सोक करके रख दिया है। तो बस अब हम लोग का सोने का टाइम है, और लाला को जो है कि दूध का भोग लग चुका था, बच्चे ने सुला वला दिया है, तो अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने। तो वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।